9 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच में जो भी रिलीजेज हुए, चाहे वो OTT हो या फिर थिएटर रिलीज हो, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और हर सैटरडे को मेरा वीडियो आप तक पहुंचेगा, जिसमें आपको सारी जानकारी पूरे वीक की मिला करेगी। इसलिए मेरे चैनल फिल्मी ज्ञान _007 को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लिक कर लीजिए बेल बटन पर, ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ आप तक पहुँच सके और कोई भी आप अच्छा वीडियो मिस ना कर दें जिसमें सारी जानकारी आपको हो। तो इस वीक में 11 मूवीज़ रिलीज हुई, तो लेके आ गया हूँ मैं आपके सामने। तो जिसको मैंने 11th नंबर पर रखा है वो एक टीवी सीरीज़ है जिसका नाम है लॉस फेराड। और ये टीवी सीरीज़ 12 दिसंबर को रिलीज़ हुई, जिसकी IMDb रेटिंग 7.5 है। इस सीरीज़ की अगर बात करें तो इसको मैंने सबसे लास्ट में रखा हुआ, यानी वीक में जितनी रिलीज हुई सबसे लास्ट में रखा हुआ, तो ये आपके लिए ऑप्शनल है। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो देखें, नहीं देखना चाहते तो इसे स्किप कर सकते हैं। इस सीरीज़ की बात करें तो इसमें कुछ आपको बोल्ड सीन्स मिल जाएंगे, इसलिए फैमिली के साथ बिल्कुल मत देखिएगा। साथ में अगर सीरीज़ की बात करें तो जिम ट्रेनर बनना चाहता है ऑस्कर, लेकिन जिम ट्रेनर ना बनके वो उसके बाप के साथ में बिजनेस में शामिल हो जाता है, जो कि एक आम डीलिंग का बिजनेस होता है। अब उसके बीच में कितनी सारी कॉमेडी होने वाली है, कितने सारे टेंस सीन होने वाले हैं और क्या क्या पापड़ बेलने पड़ेंगे उसको अपनी इस जर्नी में पूरा कंप्लीट करने के लिए, तो यही सारी चीज़ें आपको इस सीरीज़ में दिखाई गई है। इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए बनाई गई है, ज़्यादा सेंस नहीं है। अगर आप सेंस ढूंढेंगे तो इसको बिल्कुल मत जाइएगा। तो विदाउट सेंस अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे देख सकते हैं, टाइम पास पर्पज़ के लिए आप इसके साथ में जा सकते हैं। अमेज़ॉन प्राइम पे आपको देखने को मिल जाएगी, इसलिए अमेज़ॉन प्राइम पे आप इसे हिंदी इंग्लिश दोनों में देख सकते हैं। मेरी लिस्ट में जो 10 नंबर पर, वो भी एक वेब सीरीज़ है हाइएस्ट IMDb रेटिंग के साथ में। इसको IMDb रेटिंग जो है 8.6 मिली हुई है और ये 15 तारीख को ही अमेज़ॉन प्राइम पे रिलीज़ की गई हुई है। इसमें 5 एपिसोड रिलीज़ किए गए, यानी कि पूरी सीरीज़ एक साथ में रिलीज़ कर दी गई। 5 एपिसोड रिलीज़ किए, जो कि जिसका टाइमिंग अगर हम बात करें तो सीरीज़ के एपिसोड की बात करें, 5 एपिसोड जो हैं 20 से 30 मिनट के बीच के हैं, यानी कि आप देख सकते हैं अगर आप टाइम पास चाहते हैं तो देख सकते हैं। फिलहाल इसके 3 सीजन्स आए, यानी कि 2019 में शुरुआत हुई थी और 2022 में दूसरा आया और 2023 में फाइनली 15 दिसंबर को इन्होंने फिर से रिलीज़ कर दिया। तो ये जो सीज़न की बात करें, ये भी वही सीज़न है जो पिछले एक दो सीज़न थे, इसमें भी कुछ डिफरेंट नहीं है। आपको 11th क्लास के बच्चों की बात दिखाई जाएगी, क्योंकि वो इमैच्योर होते हैं, टीनेजर होते हैं और क्या क्या हरकतें क्लास या स्कूल में करते हैं उसके बारे में आपको इसमें डिटेल में देखने को मिलेगा। बहुत सारे आपको इमोशन सीन्स भी मिलेंगे, फाइटिंग सीन्स भी मिलेंगे और दोस्तों यारों के बीच में आपको खेलता कूदता सब कुछ देखने को मिलेगा। मेरी लिस्ट में जो 9 नंबर पे है वो एक मूवी है जिसका नाम है जापान, ये 10 नवंबर को थिएटर में रिलीज़ की गई थी, लेकिन अब ये नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है और इसलिए मैंने इसे इस वीक में रखा है, क्योंकि ये 11 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पे हिंदी और तमिल लैंग्वेज दोनों में आ चुकी है। तो इस मूवी की बात करें तो इसकी IMDb रेटिंग दोस्तों काफ़ी लो है, 3.4 ही है, लेकिन मैंने इसे 9 नंबर पे इसलिए रखा क्योंकि इंटरटेनमेंट पर्पज़ और कॉमेडी और यहाँ पे एक्शन सीन्स के लिए आप थोड़ा अगर इसे जाने चाहते हैं तो इसमें जा सकते हैं। स्टोरी लाइन की बात करें तो स्टोरी बहुत ही नॉर्मल स्टोरी है, एक 200 करोड़ की ज्वेलरी शॉप्स यहाँ पे जो हैं वो कार्थी टूटते हैं, उसके बाद में पुलिस और इनकी केसेस चेज होती है और कैसे ये अपने आप को बचाते हैं, पुलिस से कैसे बचते हैं उसके बारे में आपको मूवी को देखने को मिलेगा। मूवी में ज़्यादा कुछ नहीं जैसा कि मैंने बताया, फिर भी आप इसे इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए वन टाइम वॉच रख सकते हैं। लिस्ट में जो 8 नंबर पे रखा है मैंने, उसका नाम है देहाती लड़के। दोस्तों ये अमेज़ॉन मिनी टीवी पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। इसकी जो IMDb रेटिंग है, क्योंकि कम लोगों ने रेट किया हुआ है तो 9.2, जो कि काफ़ी हाई IMDb रेटिंग है, लेकिन कम लोगों ने रेट किया है तो रेटिंग पे मत जाइएगा। स्टोरी लाइन की बात करें तो दोस्तों स्टोरी लाइन इसकी काफ़ी सिंपल सी है, एक देहाती लड़का लाइन, यानी कि एक गाँव का लड़का जब शहर में जाता है, लखनऊ जैसे शहर में जाता है, तो वहाँ उसे UPSC की तैयारी करने के साथ साथ और क्या पापड़ झेलने पड़ते हैं, उसका माइंड कई चीज़ों में डाइवर्ट होता है, चाहे वो लव हो, शराब हो या फिर तफड़ीबाजी हो, बहुत सारी चीज़ों में माइंड डाइवर्ट होता है, लेकिन कैसे वो सेंटर करे एक चीज़ पे उसके बारे में आपको इस सीरीज़ में देखने को मिलेगा। 15 तारीख को रिलीज़ हुई यह सीरीज़ 10 एपिसोड के साथ में, जिसकी अगर हर एपिसोड की टाइमिंग की बात करें तो 20 से 30 मिनट के हर एपिसोड है, यानी कि आपको बोर नहीं होने देंगे, आप एक रात में इसको निपटा सकते हैं। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। कैसे आप अगर पढ़ाई करते तो उसके साथ में चीज़ों को बैलेंस करना सीखें, वो सारी चीज़ें आपको इस सीरीज़ में देखने को मिलने वाली हैं। मेरी लिस्ट में जो 7 नंबर पे, वह एक मूवी जिसका नाम है -31 द नागपुर फाइल्स। ये मूवी बहुत पहले रिलीज़ हो चुकी थी, जब रिलीज़ हुई थी ये रिलीज़ हुई थी 21 जुलाई को। और इसको मैंने अभी अपनी लिस्ट में क्यों रखा है, इस वीक में क्यों रखा है, क्योंकि 14 दिसंबर को ये अमेज़ॉन प्राइम पे भी रिलीज़ कर दी गई है। और इस मूवी की बात करें तो मुझे ये पर्सनली मूवी बहुत अच्छी लगी थी, क्राइम थ्रिलर मूवी, जो कि कोविड टाइम की हमें याद दिलाई, कैसे अगर कोई क्राइम हो जाए तो पुलिस उसे कैसे ट्रैक करेगी, उस कोविड के टाइम में क्या मुश्किलें आएंगी, वो सारी चीज़ें आपको इस मूवी में देखने को मिलेगी। इसका जो अहम किरदार जिस इस मूवी में जिसने निभाया, वो रुचा इनामदार, इन्होंने बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग की,
की हुई थी और मूवी आपको कहीं बोर नहीं करने वाली। 7 की IMDb रेटिंग है, 2 घंटे की बस ये मूवी है। इसको अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो एक बार तो ये देखने को बनती है, तो इसको एक बार देखिए, मज़ा आएगा। मेरे लिस्ट में जो 6 नंबर पे मूवी है वो एक मलयालम मूवी है ना, जिसका नाम है शशांक माइकल फातिमा। दोस्तों ये मूवी मैंने 6 नंबर पे इसलिए रखी हुई क्योंकि इसमें जो हीरोइन है दोस्तों कल्याणी प्रियदर्शनन, उनकी मुझे यहाँ पे एक्टिंग और उनकी इनोसेंसी और साथ में थोड़ी सी चुलबुलापन काफ़ी अच्छा लग रहा है, जो पूरी मूवी में आपको देखने को मिलेगा और बहुत ही पसंद करने वाले हैं। ये मूवी 17 नवंबर को रिलीज़ की थी, लेकिन मैंने अभी इसको क्यों इस वीक में रखा, क्योंकि 15 दिसंबर को ये नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ कर दी गई, जो कि आपको हिंदी और मलयालम दोनों लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी। और इस मूवी की बात करें तो जो इसकी स्टोरी लाइन है ज़्यादा नहीं है, कुछ खास नहीं है, लेकिन अच्छी है ओवरऑल। फुटबॉल कमेंटेटर बनना चाहती है, जब अपने शहर में थी वहाँ पर तो लोकल में फुटबॉल कमेंटेटर थी, लेकिन जब बड़े लेवल पर जाती है तो इनको कोई पसंद ही नहीं करता है। तो कैसे अपने हुनर को ये सबके सामने लेके आएंगी और एक इंटरनेशनल लेवल या नेशनल लेवल पे कैसे फुटबॉल कमेंटेटर बनेंगी, उसके बारे में आपको मूवी देखने को मिलेगी। मूवी में आपको कॉमिक टाइमिंग अच्छी मिलेगी, ये सारी चीज़ें मिलेंगी, साथ में ड्रामा अच्छा मिलेगा और इमोशनल सीन्स भी देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा ये जो मूवी है मुझे याद दिलाती है सीक्रेट सुपर स्टार की, जो कि आमिर खान की मूवी आई थी जिसमें वो सिंगर बनना चाहती थी, वही तरीके की आपको इस मूवी में भी देखने को मिलेगा। IMDb 7 रेटिंग के साथ में ये मूवी आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं, नेटफ्लिक्स पे आपको सब्सक्रिप्शन के साथ में मिल जाएगी। 1 टाइम वॉच है, 2 घंटे की है, ज़्यादा आपका टाइम बर्बाद नहीं होने वाला है, एक बार आप इसे देख के इंजॉय कर सकते हैं, साथ में इसे फैमिली के साथ में भी देख सकते हैं, कहीं पर आपको बोरियत नहीं होने वाली है। मेरे लिस्ट में जो 5 नंबर पे एक वेब सीरीज है, उसका नाम है लेबल, और इसको जय जो है सुपरस्टार यहाँ पे वो इसको कास्ट कर रहे हैं। और इस सीरीज़ को 5 नंबर पर रखने का दोस्तों कारण यह है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेस्ड यहाँ पे इन्होंने एक टॉपिक उठाया हुआ है और वो बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको इन्होंने पूरी सीरीज़ में दिखाया हुआ है कैसे अगर कोई एक एरिया का है उस एरिया को उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया कि उस एरिया के बंदे बुरे ही होंगे, उस एरिया के बंदे बुरे होंगे तो उसको कैसे सही किया जाए, उस एरिया के अगेंस्ट जो मेंटेलिटी है उसको कैसे चेंज किया जाए। तो जय ने यहाँ पे एडवोकेट का रोल लेके बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरी सीरीज़ में जो भी गुंडा राज है उसको कैसे निपटाया हुआ है और साथ में कैसे अपने राइट्स को कैसे पाया हुआ है, उसके ऊपर यह सीरीज़ है। आर्टिकल 20 को आपको डिटेल में जानने को मिलेगा, ये सीरीज़ आपको हॉटस्टार पर अवेलेबल मिल जाएगी। इसकी बात करें तो इसकी सीरीज़ की शुरुआत हो चुकी थी 10 नवंबर पे, हर वीक में एक एपिसोड रिलीज़ हो रहा था, हालांकि स्टार्टिंग में 2 एपिसोड रिलीज़ हुए, उसके बाद में हर वीक में एक एपिसोड रिलीज़ हो रहा था और 15 दिसंबर को यानी कि कल इसका 8वां एपिसोड रिलीज़ किया गया। 10 एपिसोड किया पूरी सीरीज़, जो कि अभी 2 हफ्ते और लगेंगे इसको कंक्लूड करने के लिए। टाइमिंग की बात करें तो टाइमिंग इसकी 25 से 35 मिनट का हर एपिसोड है, यानी कि आप बोर नहीं होने वाले हैं, भरपूर इंटरटेन होने वाले हैं, कुछ आपको नॉलेज भी डिटेल में इसमें मिलने वाला है। तो इसको प्लान करिए, अगर आपने अभी तक नहीं देखा हो तो इसको प्लान करिए देखने का, आप इसको देख के एंजॉय करने वाले हैं, ये आपके लिए एक बेस्ट सीरीज़ होने वाली है इस वीक में। मेरे इस हफ्ते की 4 नंबर पे जो लिस्ट में वेब सीरीज़ है उसका नाम है यू यू हकुसो, और दोस्तों ये सीरीज़ अपने आप पे बहुत खास है। इसको मैंने 4 नंबर पे इसीलिए रखा हुआ क्योंकि इसमें बहुत कुछ है जो आप इन्जॉय करने वाले हैं। एक ऐसा मिस्टीरियस वर्ड जिसके बारे में आप सोचेंगे तो कहेंगे क्या मज़ा आ गया, क्योंकि इसमें अगर मैं सीरीज़ की बात करूँ तो बहुत कुछ है। IMDb रेटिंग की बात करूँ तो 7.7 की IMDb रेटिंग, 5 एपिसोड में सीरीज़ ख़त्म की गई और 5 के 5 14 तारीख को रिलीज़ किए गए नेटफ्लिक्स पे। हिंदी और जापानीज लैंग्वेज और साथ में इंग्लिश लैंग्वेज में आपको मिल जाएगी, क्योंकि ये जापानीज सीरीज है तो हिंदी इंग्लिश जापानीज में आपको मिल जाएगी। और इस सीरीज़ की बात करें तो दोस्तों सोचिए, अगर कोई बंदा किसी को बचाते हुए, किसी बच्चे को बचाते हुए मरे तो उसको जगह कहाँ मिलेगी, हेल में मिलेगी, हेवन में मिलेगी? नहीं, दोनों जगह पर नहीं मिलेगी, उसको एक ऐसा मौका मिलेगा जो आप सोच भी नहीं सकते, वो सब इस सीरीज़ में आपको देखने को मिलेगा। साथ में बहुत सारी मिस्टीरियस पावर्स जो पूरी दुनिया को ख़त्म करना चाहती है, एक मानवता को मारना चाहती है, उससे कैसे लड़ा जाएगा और कैसे बचाया जाएगा पूरी दुनिया को, उसके ऊपर यह पूरी मूवी बनी हुई है। भरपूर एंटरटेनमेंट, साथ में एडवेंचर, साथ में एक्शन सीन से भरी हुई यह सीरीज़। एक टीम बनती है लेकिन उस टीम के अगेंस्ट बहुत बड़े बड़े विलन हैं, उनसे कैसे लड़ाई होगी, तो इसमें पूरा आपको एवेंजर की फीलिंग आने वाली है, मज़ा आने वाला है, कहीं पर आप बोर नहीं होने वाले हैं। साथ में आपको एक बड़े बड़े डैमेज देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े क्रिएचर्स देखने को मिलेंगे और कुछ एविल और कुछ स्प्रिट और कुछ अच्छी पावर्स आपको इस सीरीज़ में देखने को मिलने वाली है। हर एक एपिसोड लेंथ की बात करें तो 45 से 50 मिनट के एपिसोड यहाँ पे हर एक एपिसोड दिया गया है। और एक जो खास चीज़, ये 1990 में इसी नाम से एक टीवी सीरियल आया था जो कि 112 एपिसोड का था, उन 112 एपिसोड को समेट के 5 एपिसोड्स में कर दिया गया है। तो भरपूर इंटरटेनमेंट होने वाला है, मज़ा आने वाला है, एंजॉय करिए सीरीज़ को, नेटफ्लिक्स पे देखिए, मिस मत करिएगा।
मेरी लिस्ट में जो 3 नंबर पे है वो है एक वेब सीरीज रीचर सीजन 2। अगर आपने इसका सीजन 1 देखा हुआ है तो ये सीजन तो आप मिस कर ही नहीं सकते हैं। जैक रीचर जो कि इतने पर्सनालिटी, इतने दमदार मैन, पहले मैं जैसा हमने देखा वो उसकी हम बात नहीं करते। इसमें फिलहाल सेकेंड सीरीज या सेकेंड सीजन में बात करें तो 3 एपिसोड दोस्तों रिलीज किए गए 15 तारीख अमेज़ॉन प्राइम पे, और एपिसोड की लेंथ की बात करें तो 45 से 55 मिनट के बीच के ये एपिसोड, और ये हर हफ्ते अब आते रहेंगे 19 जनवरी तक, यानी कि 8 एपिसोड की यह सीज़न भी होगा जैसे कि पहला सीज़न था। और यहाँ पे जैक रीचर फिर से कमाल करते हुए दिखेंगे, और इस बार कुछ नया है, इनके अपने दोस्त मर चुके हैं और क्यों मरे हुए हैं उस पर पूरा इन्वेस्टिगेशन होने वाला है, और उनका इन्वेस्टिगेशन करने का तरीका आप जानते हैं, एक दमदार इन्वेस्टिगेशन होगा, एक बॉडी बिल्डर टाइप का इन्वेस्टिगेशन होगा, लेकिन इसमें बहुत सारे माफिया, बहुत सारी चीज़ें खुल के सामने आएंगी, तो यानी कि मिस्ट्री बहुत सारी है जो आपको मैं अगर अभी बता दूंगा पूरी सीरीज का मजा करके रहा हो जाएगा। तो वो चीज़ें तो नहीं मैं बताने वाला, वो आपको देखिएगा तभी आपको मजा आने वाला। फिलहाल ये सीरीज वन टाइम बहुत डेफिनेट है, इसको आप मिस नहीं कर सकते, इसलिए मैंने रखा इसको अपनी लिस्ट में 3 नंबर पे, तो इसको मिस मत करिए। 3 एपिसोड आ चुके हैं, अगले हफ्ते में 22 तारीख में फिर से वेट करिए, एक और एपिसोड आएगा तब मैं उसका रिव्यू भी आपके सामने लेके आऊँगा। फाइनली जो मेरी लिस्ट में 2 नंबर पे है वो एक वेब सीरीज़ है फ्रीलांसर। इसके दोस्तों स्टार्टिंग के एपिसोड्स जो आए थे वो 1 सितंबर को आए थे, उसके बाद काफ़ी इंतज़ार कराया इन लोगों ने इस चीज़ को कंक्लूजन करने के लिए, और आप 5, 6, 7 यानी कि 3 एपिसोड 15 दिसंबर को हॉटस्टार पे रिलीज़ कर दिए गए हैं, और इसको इस सीरीज़ को कंक्लूड कर दिया गया है, पूरी सीरीज़ कंक्लूड करके। जैसा कि हमने शुरुआत में भी देखा था, जो यहाँ पे फ्रीलांसर कामत होते हैं वो आलिया को बचाने के लिए काफ़ी ताबड़तोड़ चीज़ें कर रहे हैं, काफ़ी जदोजहद कर रहे हैं, और अब फाइनली किस तरीके से उसको बचाएंगे ये आपको इस सीरीज़ में कंक्लूजन करते हुए दिखेंगे। तो सीरीज़ हमें काफ़ी पसंद आई थी, लोगों ने काफ़ी पसंद किया था, जिस तरीके से इसमें एक्शन थे, जिस तरीके से स्ट्रेटजी बनाई जा रही थी, और कैसे सीरिया में ISIS का आतंक फैला हुआ था उसको कैसे कंट्रोल करके वहाँ से आलिया को बचा के आएंगे, और अभी तक कहाँ पे फंसे हुए थे, उस चीज़ों से कैसे बाहर निकलेंगे, वो सारी चीज़ें आपको इस कंक्लूजन सीरीज़ में दिखाई जाएंगी। ओवरऑल मुझे यह सीरीज़ बहुत अच्छी लगी थी, इसलिए मैंने इसे 2 नंबर पर रखा हुआ है। फुल एंटरटेनमेंट है, आपका कहीं पर भी बोर नहीं होने वाले, इसलिए मेरी लिस्ट में 2 नंबर पर है। तो इसको अगर आपने अभी तक मिस किया है तो आप देखिए, आ गई है हिंदी में, हॉटस्टार पे आप इसको देख सकते हैं। फाइनली जो मेरे नंबर पे 1 नंबर पे सीरीज है वो कोई छोटी मोटी सीरीज नहीं, बहुत बड़ी सीरीज है, जिसका नाम है मोनार्क लेगेसी ऑफ द मॉन्स्टर। ये सीरीज दोस्तों अगर आपको मैं बताऊं तो उसने बनाई है जिसने गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी बनाई थी, तो बहुत बड़ी सीरीज है ये, इसमें बहुत कुछ है 7.2 IMDb रेटिंग के साथ में, और ये आपको किसी छोटे मोटे OTT प्लेटफॉर्म पे भी देखने को नहीं मिलेगी, ये मिलेगी Apple TV Plus पे, यानी कि Apple TV Plus पे OTT प्लेटफॉर्म पे आपको देखने को मिलेगी। और अगर इस सीरीज़ की बात करें तो इस सीरीज़ में क्या नहीं है, आपको एडवेंचर देखने को मिलेगा, साइंस देखने को मिलेगी, साथ में बहुत सारे मॉन्स्टर देखने को मिलेंगे, और जब सब हार चुके होंगे तो यहाँ पे आपको गॉडजिला भी देखने को मिलेगा, क्योंकि मोनार्क ऐसी जगह है जहाँ पे मॉन्स्टर्स बसते हैं, और जब मॉन्स्टर्स जब वो शहर में आ जाएँ तो क्या तबाही मचा सकते हैं आप एक बार सोच ही सकते हैं। तो इसमें कुछ 4-5 लोग जो उस मोनार्क जगह पर पहुँच जाते हैं, और उस जगह पर पहुँच के क्या वहाँ पर देखते हैं, और फिर वो तबाही जो है शहर तक पहुँचती है, और उस तबाही को फिर बचाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, वो सारे एडवेंचर आपको इस मूवी में देखने को मिलने वाले हैं। फिर से आपको गॉडजिला की याद आएगी, और गॉडजिला आके यहाँ पे आपको सेव करेगा, आके और नुकसान करेगा, ये सारी चीज़ें आपको सीरीज में ही देखने को मिलेंगी। जो यहाँ पे एक तरीके से VFX इफेक्ट डाले हुए हैं, साथ में जो बैकएंड म्यूजिक डाला हुआ है वो काबिले तारीफ है, कमाल का है, कहीं भी आप मिस नहीं कर सकते। इस सीरीज की शुरुआत हुई थी 17 नवंबर को, और ये 15 तारीख को यानी कि कल इसका अगला एपिसोड आ गया, और ये टोटल 10 एपिसोड की सीरीज, जिसका सिलसिला खत्म होगा जनवरी में दोस्तों, 12 जनवरी को इसका आखिरी एपिसोड आएगा, तब तक ये सीरीज़ कंक्लूड की जाएगी, लेकिन उससे पहले जो हर हफ्ते मनोरंजन होने वाला है, जो एडवेंचर आपको दिखने वाला है वो काबिले तारीफ होगा। तो इस सीरीज़ को अगर आपने मिस किया अभी तक देखना तो पुराने एपिसोड देखिए, फिर जो इसके लेटेस्ट सीरीज लेटेस्ट एपिसोड आ रहे हैं वो भी मिस मत करिए, वो भी सारे देखिए, आप एंटरटेन होने वाले, फुल एंटरटेन होने वाले, इसलिए मैंने इसको अपनी सीरीज़ में 1 नंबर पर रखा हुआ है। तो ये मेरी लिस्ट में 1 नंबर पर है, आप इसे इन्जॉय करेंगे। तो दोस्तों आगे भी ऐसे वीडियोज़ पाने के लिए चैनल फिल्मी ज्ञान _007 को सब्सक्राइब करिए, क्लिक करिए बेल बटन पे, ताकि आने वाले कोई भी वीडियोस आपके मिस ना हो। थैंक यू दोस्तों, देखते रहे हमारा चैनल।